हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी मकर संक्रांति। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मसाले वाली खिचड़ी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़े से मटर, भिगोए हुए चावल और मसूर। मूंग की दाल को मैंने भिगो के रखा है, थोड़े से धनिया के पत्ते, यहाँ पे गोभी और आलू मैंने काट लिया है और एक टमाटर। यहाँ पे कढ़ाई में हम ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल में हम डाल देंगे सूखे तेज़पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च और थोड़े से जीरे, और यहाँ पे हींग डाल के हम थोड़ा सा चटक जाएगा। उसके बाद हम इसमें आलू गोभी को डाल के अच्छी तरीके से इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, अदरक लहसुन मिर्ची और धनिया पाउडर ज़ीरा, सभी को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो जाए, 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे एक टमाटर प्यूरी। मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर हम डालेंगे इसमें एक प्याज का पेस्ट, इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये 2-3 मिनट तक भून जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, 1-1 चम्मच दोनों डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छी तरीके से फिर मिक्स करके पकाएंगे। मसाले हमारे अच्छी तरीके से पक जाए तो ये खिचड़ी में बहुत ही अच्छी लगती है। फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मटर के दाने, इन्हें भी हम अच्छी तरीके से पका लेंगे। ये जब तक हमारा मटर यहाँ पे पक के रेडी होता है तब तक हम उधर हांडी में पानी चढ़ा लेंगे। और यहाँ पे हम मैंने धनिया के पत्ते यहाँ पे डाल दिए हैं और ये पकने के लिए छोड़ दिया मैंने। फिर मैं हांडी में पानी लूँगी, पानी गर्म हो गया, इसमें मैं दाल और चावल को एक साथ डाल दूँगी। पहले मैंने दाल को डाला है, उसके बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। इन सभी चीज़ों को डाल के ढक के थोड़े से 2-3 मिनट तक पकाऊँगी हल्दी और नमक के साथ। ये हमारा जब तक पकता है तब तक यहाँ हमारा सब्जी भी रेडी है, इनको हम पहले पकाएंगे। चावल और दाल अच्छी तरीके से पक जाए। यहाँ पे हम लोगों का दाल और चावल थोड़े से पक चुके हैं 70%, और 30% हम सब्जी डालने के बाद पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे जो हमने सब्जी बना के रेडी किया था, वो हम सब्जी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम सब्जियों के साथ दाल चावल को और पका लेंगे। हमारा 30% चावल नहीं पका है तो हम उसको सब्जियों के साथ पका लेंगे, क्योंकि मैंने सब्जी को भी अच्छी तरीके से नहीं पकाया था, सिर्फ मैंने मसाले भुने थे, इसीलिए हम इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब चीनी, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और 1 चम्मच घी। हमारा खिचड़ी बन के रेडी है। अब हम इसको 10 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। खिचड़ी हमारा रेडी है, और आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा तड़का भी लगा सकते हो। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।